एंजाइम काइनेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों को पहले एक जनरल जो रिएक्शन होता है, किस प्रकार से जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो जुड़ते हैं सब्सट्रेट से और किस प्रकार जो है उसे वापस से प्रोडक्ट में बदलते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले तो एक सब्सट्रेट है जो कि एक एंजाइम के साथ जुड़ रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, तब अपने आप को म्यूट रखेंगे। एंजाइम सब्सट्रेट को जुड़ा और बदले में उस सब्सट्रेट को उसने पूरा प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एंजाइम ने सब्सट्रेट को लिया और उस सब्सट्रेट को किस में बदल दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया, और जिसकी उसके बाद जो है वो एंजाइम फ्री हो गया। एंजाइम को अब कुछ काम नहीं है, उसका काम था सब्सट्रेट को लेना, सब्सट्रेट को यूज करना और सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना। सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के बाद जो वो एंजाइम है वो फ्री हो गया। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें बहुत जरूरी है कि एंजाइम का होना, क्योंकि एंजाइम ही वो चीज है जो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये जो दर है इस रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है सब्सट्रेट के कंसेंट्रेशन पे। डीसी माइनस डीसी यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि सब्सट्रेट अब कम होते जा रहा है ना। जैसे जैसे सब्सट्रेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सब्सट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा टाइम के साथ। तो डीटी मतलब टाइम में चेंज होने के साथ साथ धीरे धीरे कंसेंट्रेशन जो सब्सट्रेट का है वो कम होते जाएगा, इसलिए माइनस डीसी लिखा है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो तीन चीजों पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो तीन चीजों पे, पहला सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन, दूसरा एंजाइम कंसेंट्रेशन, कि सब्सट्रेट कितना है उस पे भी और एंजाइम कितना है उस पे भी। जैसे कि मान लीजिए, दूसरे तरीके से एक भी इसको समझना है, आपके पास एंजाइम्स हैं और जो कंस और आपके पास सब्सट्रेट है, लेकिन सब्सट्रेट जो है वो थोड़े कम है, तो जितने सब्सट्रेट थे वो तो एंजाइम से बाइंड हो गए, लेकिन कुछ एंजाइम क्या हो गए, फ्री छूट गए। कुछ एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं हो पाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, सब्सट्रेट जो प्रोडक्ट है वो भी कम बनेगा, क्योंकि जितने सब्सट्रेट रहेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा सब्सट्रेट का उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन कम रहेगा उतना ही कम जो है वो प्रोडक्ट बनेगा आपका। अगर आप इस पे ग्राफ ग्राफ प्लॉट करते हैं हम वेलोसिटी और सब्सट्रेट के बीच में, तो कम कम सब्सट्रेट की स्थिति में जो है हमको लीनियर ग्राफ मिलता है, एकदम एक सीधी लाइन मिल रही है अगर हमारे पास कम सब्सट्रेट है तो। ठीक है, लेकिन कम सब्सट्रेट के बजाय अगर, तो इसलिए वो माइनस डीसी लिखा है, क्यों, क्योंकि सब्सट्रेट कम है तो हमको प्रोडक्ट भी कम मिला है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब हमारे पास जो है सब्सट्रेट की मात्रा जो है अच्छी खासी रहती है और एंजाइम की मात्रा भी ठीक ठाक ही है, एंजाइम की मात्रा लेकिन कई बार जो है वो कम। अभी तक हम लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स में जो भी चीजें पढ़ी है वो हमने सिर्फ एंजाइम के जनरल चीजों के बारे में पढ़ी, उसके काइनेटिक्स कैसे होता है, किस चीज की मात्रा अधिक रहेगी, तो एंजाइम काइनेटिक्स का जो रेट है वो कैसा रहेगा, कम कब रहेगा, ज्यादा कब रहेगा, सब्सट्रेट पर बहुत डिपेंड करता है, सब्सट्रेट की मात्रा जितनी अच्छी खासी रहेगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, हमने अभी तक इतना पढ़ा है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़े हैं मिकैलिस एंड मेंटेन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हम लोग मिकेलिस एंड जो आपका मेंटेन इक्वेशन है इसको देखेंगे। मिकेलिस एंड मेंटेन इक्वेशन जो है वो किन चीजों के बारे में बताता है उसके बारे में देखेंगे। पहली बात तो ये कि इस रिएक्शन, इस इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज बताई थी कि अगर आपका कोई भी एंजाइम है जो क्या कर रहा है, आपका सबस्ट्रेट के साथ पहले तो मिल रहा है और इसके बाद क्या बना रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एंजाइम सब्सट्रेट से हम दोनों को तोड़कर एंजाइम और सब्सट्रेट इनमें भी बदल सकते हैं।
और दूसरी तरफ एक और रिएक्शन होता है जो हम लोग किस कैसे देखे थे कि एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर वन यहाँ हो रहा है, रिएक्शन नंबर टू यहाँ पर हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना था, जिन्होंने रिसर्च किया, बहुत रिसर्च करने के बाद मिकलिस एंड मेंटेन जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करने के बाद जो है ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब आपका एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट से जब बाइंड होता है उस कंडीशन में वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बना लेता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स रिएक्शन किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम सब्सट्रेट को मिलाकर एंजाइम और सब्सट्रेट में अलग-अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर एंजाइम और प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब पहले रिएक्शन होता है, सब्सट्रेट की मात्रा तो हमारे पास अच्छी खासी है, यहाँ पर सब्सट्रेट जो हमने लिया था बहुत सारी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने रिएक्शन चालू कर दिया, जैसे ही आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो जितना सब्सट्रेट था वो तुरंत पूरा का पूरा प्रोडक्ट में बदल जाए, वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस रिएक्शन का वापस से रिवर्स होना पॉसिबल नहीं होता है, इस चीज के बारे में मिकलिस एंड मेंटेन ने बताया अपने इक्वेशन में। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने रिवर्स किया, इस कॉन्सेप्ट को हटा ही दिया, इस रिवर्स वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने हटा दिया कि रिवर्स वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर रिवर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में जो है आपका प्रोडक्ट है ही नहीं। मतलब जितने प्रोडक्ट हमको चाहिए रिवर्स के रिएक्शन के लिए, उतना प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे में फिर प्रोडक्ट वापस से सब्सट्रेट और एंजाइम कैसे बने, मतलब वापस से सब्सट्रेट कैसे बन जाएगा, क्योंकि जितना हमने सब्सट्रेट लिया था, हमने अगर 100 सब्सट्रेट लिया था, यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट टाइम हमने यूज किया 100 सब्सट्रेट, तो जरूरी नहीं है वो 100 सब्सट्रेट पूरे के पूरे जो है प्रोडक्ट में 100 के 100 बन जाए पहले रिएक्शन में। हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, वो सिर्फ हो सकता है 50 प्रोडक्ट ही बने हो। तो वापस से इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बारे में मिकलिस एंड मेंटेन ने बताया, और इन लोगों ने जो है इसके लिए एक चीज बताया कि इसलिए इस रिवर्स रिएक्शन को हटा देते हैं और इसके बदले में इस चीज को रखते हैं कि आपका जो ये वाला रिएक्शन नंबर वन जो होता है, जो रिवर्स हो रहा है, मतलब जिसमें एंजाइम और आपका सब्सट्रेट ये दोनों मिलकर वापस से सब्सट्रेट और एंजाइम दोनों में अलग अलग जो है टूट जा रहे हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, इन दोनों के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये मिकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन कहलाता है। पहले तो उस इक्वेशन को देखने के बाद उसे मैथ्स की तरह सॉल्व करना भी जरूरी है। इन्होंने सबसे पहले जो बताया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये बताया अगर कोई भी जो एंजाइम है प्लस आपका सब्सट्रेट है, ये दोनों पहले मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट आपस में बनते हैं, तो ये रिएक्शन नंबर वन हुआ जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को। और इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम जो है सब्सट्रेट को पूरा जो है आपका प्रोडक्ट में बदल देता है, हाँ, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिवर्स कर सकते, क्योंकि उतनी मात्रा में प्रोडक्ट हमारा फट से बना नहीं रहता है, तो ये तुरंत रिवर्स हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, मतलब जब स्टार्टिंग की स्टेज में, ड्यूरिंग इनिशियल, मतलब जब रिएक्शन चालू ही रहती है, जब ये एंजाइम सब्सट्रेट मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लिए, उसके जब ये स्टार्ट हुआ रहता है, जस्ट उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग इनिशियल आपका जब रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ ई एस, ये यहां पर आपका ई एस है। जो ई एस के बनने का जो रेट है, मतलब जो दर है, वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ई एंड एस। मतलब जितना स्पीड से, जिस स्पीड में ये ई एस बनेगा, उतने ही स्पीड में अगर रिवर्स रिएक्शन कराया जाए तो उतनी ही स्पीड से, उतना ही रेट से ये दोनों टूटेंगे। तो जिस स्पीड से ये टूट रहे हैं उसी स्पीड से ये बन रहे हैं, और जिस स्पीड से ये बनेंगे उसी स्पीड से ये टूटेंगे। तो ये इसकी जो दर है, दर के बारे में बताया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस, ई एस के बनने का जो रेट रहेगा, जो दर रहेगा, वो इक्वल टू होता है ई और एस के वापस आपस में जुड़ने के, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द ई एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ई एस कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रेकडाउन होगा, ये दोनों ब्रेक होंगे तब तो ये दोनों में बदलेंगे ना, ई और एस में तभी बदलेंगे ये। पहले तो ये अलग अलग थे, ये ई यहाँ पर अलग है, एस यहाँ पर अलग है, एक एंजाइम यहाँ पर अलग बना हुआ है हमारा, और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हमारा अलग है। पहले तो ये जुड़ते हैं तभी तो ये ई एस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, उसके बाद जो वापस से इनको रिवर्स रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये टूटेंगे, ब्रेकडाउन होंगे, तो ये वापस से ई और एस में बदल जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पर ये बताया है कि जिस दर से ये ई एक्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जुड़ते हैं, उसी रेट से ही इनका ब्रेकडाउन होता है और ये वापस से एंजाइम और सबस्ट्रेट में बदल जाते हैं। इस चीज को बताने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन को भी डिराइव किया, जिसमें ये बताया इन्होंने के वन, मतलब जो रिएक्शन नंबर वन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें ई और एस मिलकर, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में बनाए, देखो मैंने, लेकिन यहाँ पर एक ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आके क्या हो गए हैं आपका, ये दोनों यहाँ पर आके क्या हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स बना लिए, एक साथ जुड़ गए एंजाइम और सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन नंबर वन में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में जुड़कर ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दिया, तो रिएक्शन नंबर वन होता है उसके लिए कॉन्स्टेंट नंबर वन है उसका रेट का। तो जिसमें एक इक्वेशन जो इन्होंने दिया उसमें लिखा के वन इंटू ई एस इज इक्वल टू के माइनस वन ई एस। अब इसको समझेंगे कुछ इस प्रकार से, ये इक्वेशन में ये के माइनस वन क्यों लिखा हुआ है, के वन मतलब जो यहां से रिएक्शन हो कि ये बन रहा है, ये के वन है, मतलब ये रिएक्शन नंबर वन, तो यहाँ पर रेट का नाम है के वन जो कि कांस्टेंट है। ठीक, अब हम अगर रिवर्स कर रहे हैं इस रिएक्शन को, रिवर्स मतलब ये इस रिएक्शन को हम उल्टा घुमा रहे हैं, ई और एस को हम उल्टा करके ई एस कॉम्प्लेक्स को हम लोग वापस से स्वतंत्र एंजाइम और स्वतंत्र सब्सट्रेट में बदल रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर से होने वाली प्रोसेस में जो कांस्टेंट रहेगा वो माइनस वन रहेगा, क्योंकि रिवर्स हो रहा है। इस इक्वेशन को दिया मिकलिस एंड मेंटेन ने, ठीक है, और इस इक्वेशन को देने के लिए इन्होंने कुछ मैथ्स डेरिवेशन को भी सॉल्व किया। उस मैथ्स डेरिवेशन को अभी हम लोग समझेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटता है तो वो जो रिएक्शन है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से इस चीज को देखेंगे। ठीक है, मैकलिस मेंटेन ने जो इक्वेशन दिया क्या था वो इक्वेशन, ई सॉरी के वन, जिसमें ई एस इज इक्वल टू के माइनस वन ई एस। ई एस एक साथ लिखा रहा है, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं यहां पर, ये कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम और सब्सट्रेट जुड़ते हैं ना, जैसे कि हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम के लिए सब्सट्रेट होता है। लॉकिन की मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब कि के
माइनस वन ES कॉम्प्लेक्स, ये वाला अपना इक्वेशन को मैकलिसन मेंटन ने दिया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर से मैथ्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा स्टार्ट हुआ मैथ्स, तो फिर सबसे पहले तो E और S, ये वाला जो E है और ये वाला जो S है, हमने यहाँ पर नीचे एज इट इज जो है लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो E और S है, इसको हम लाएंगे नीचे। हम जब नीचे लाएंगे मतलब क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा बराबर के दाई ओर और बराबर के बाई ओर। अगर किसी भी चीज को ट्रांसफर किया जाता है न्यूमेरिकल को, तो वो गुणा से भाग, भाग से गुणा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मतलब वो मल्टीप्लाई रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये मैथ्स जो है जनरल मैथ्स है, जो हम लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, इस चीज को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ई एस जो है यहाँ इंटू में है, के और ई एस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, जिसके लिए वो ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ पर आके वो डिवाइड में चले गया। अब यहाँ के लिए डिवाइड में चले गया, इक्वल टू के माइनस वन का माइनस वन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर के वन जो लिखा हुआ है ये क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा के वन, ठीक है। अब ये के वन आ गया नीचे। अब ये के वन के नीचे आने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे कि के माइनस वन और के वन के लिए मैकलिसन मेंटन ने एक अलग जो है कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नाम दिया, जिस जो उसका नाम था, मतलब ये था के एस। इस के माइनस वन अपॉन के वन को नाम दिया अलग से, जिसका नाम रखा उन्होंने के एस, और इसका कांस्टेंट का के एस नाम जो था एक्चुअली में वो ये था कि डिसोसिएशन ऑफ सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। डिसोसिएशन होना मतलब टूटना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ई एस, ये ई एस जो है टूटने वाला है ना, रिवर्स करवा रहे हैं ना हम, तो इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ई एस हम बोलते हैं किसको, इस के एस को। तो के माइनस वन अपॉन के वन के लिए हम क्या करेंगे, यूज अब से के एस यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे इसका स्टेप देखते हैं, तो आगे कैसे हो जाएगा, ई एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू के एस हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि के माइनस वन अपॉन के वन की जगह पे हम के एस लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, के एस होता है, ठीक है। सिंपल मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब के एस लिख लिए, अब आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए कैसे होगा देखते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए आपके एंजाइम से बहुत सारे, ठीक है, और आपका प्लस सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है मान लीजिए बहुत सारे। अब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम जो है जुड़ जाए, कुछ एंजाइम तो जुड़ जाएंगे, कुछ एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लिए, जुड़ गए, लेकिन कुछ एंजाइम खुले छूट गए, मतलब रह गए, ये एंजाइम है आपका और ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट भी है एंजाइम भी है, कुछ एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिए, ई और एस का कॉम्प्लेक्स बना लिए, लेकिन कुछ क्या है वो छूट गए वहीं पर, कुछ एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं बचा, तो वो फ्री एंजाइम कहलाते हैं, ऐसे एंजाइम फ्री एंजाइम, मतलब जिनको सबस्ट्रेट मिला ही नहीं तो वो फ्री एंजाइम कहलाए। अब इसी चीज को भी ध्यान रखना था मैकलिसन मेंटेन को, कि हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस समय ऐसा भी तो होता है कि कुछ एंजाइम जो है छूट जाते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक डिराइव किया ई जीरो। ई जीरो मतलब टोटल एंजाइम, टोटल एंजाइम में आपके क्या क्या चीजें आएंगी, आपके वो एंजाइम आएंगे जो छूट गए हैं सबस्ट्रेट से बाइंड होने में, मतलब फ्री एंजाइम, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया सिर्फ ई मतलब फ्री एंजाइम, और प्लस ई एस मतलब ये वाला एंजाइम जो जुड़ गया है और फ्री वाला एंजाइम, ये दोनों मिलकर टोटल एंजाइम हुए ना,
टोटल एंजाइम मतलब ई जीरो, ये टोटल एंजाइम की संख्या है। टोटल एंजाइम कितना है और हमारे पास, वो जो हमारे आधे जो है हमारे सब्सट्रेट से बाइंड हो गए वो एंजाइम, और वो जो हमारे छूट गए, इसके अलावा कोई एंजाइम है क्या? कोई तीसरा एंजाइम नहीं है इसके अलावा, सिर्फ इतने ही एंजाइम जो है वो रहेंगे। तो ये ई जीरो हम क्यों यूज करते हैं? ई जीरो हम यूज करते हैं किसके लिए? जब हमारा टोटल एंजाइम की संख्या के लिए हम यूज करते हैं ई जीरो। ठीक है, तो ई जीरो को ही अगर मैं आगे सॉल्व कर लूं तो हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ई इक्वल टू ई जीरो माइनस ई एस, तो मैंने क्या किया, इस ई को ले लिया पहले, और ई जीरो ये प्लस था ना, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस इधर आके माइनस, तो ई जीरो माइनस ई एस, तो ये ई का वैल्यू मेरे को मिला ई जीरो माइनस ई एस। तो यहाँ पर जहाँ मैं रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में पहुंची हूँ, अगर मैं उसको आगे करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से कर सकती हूँ कि ये जो ई है उसकी जगह पे मैं ई जीरो माइनस ई एस लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? ई जीरो माइनस ई एस, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला ई, अब इसके बाद आएगा एस, ये वाला अपॉन क्या आएगा, ई एस जो एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, और इक्वल टू के एस जो पहले एज इट इज जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक, एक के बाद जो है डेरिवेशन को सॉल्व करते जाना है, ताकि हम समझते जाएं कि किस प्रकार से जो है ये क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चीज खत्म होता है कि के एस यहाँ तक के हमने अभी सॉल्व किया, ये हमारा फाइनल था। अब इसके आगे कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा जो डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है, ये हमारा अभी आधा है डेरिवेशन, अभी पूरा नहीं हुआ है, ड्यू टू टाइम खत्म हो रहा है। तो इस डेरिवेशन को हम यही सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग लिख कर रखिए ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, और कुछ डाउट होगा तो अभी आप हम लोग क्लियर कर लेंगे, और इसके आगे का डेरिवेशन हम कल सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है इसलिए टाइम लगेगा समझने में भी, एक साथ करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन का भी इतना ही बनाएंगे, इसके आगे के पार्ट को हम कल डिसाइड कर, कल जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है आगे का जो डेरिवेशन है वो सॉल्व होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।